तुम भंगी के घर का पानी भरते हो, मैं मिसरानी हूँ। मेरे नौजवान साथियों, आज राजा हरिश्चंद्र को ध्यान आता है, यह वही औरत है जिसने मंडप के नीचे आकर के मेरी कलाई पकड़ के कहा था कि दुख और सुख में हम बिल्कुल ही तुम्हारे साथ रहे, मगर आज धर्म के पीछे इतनी दूर हो गई है। याद रखना लोगों, धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म की डेफिनेशन कोई ऐसी नहीं जिसको बताने में ज्यादा समय लगे। जो वस्तु जिस जगह की हो, हम उसको उसी दृष्टि से देखें, उसी का नाम धर्म है। क्या करूं अब, क्या करूं? जवाब दिया है, करना क्या है? मैं तुम्हें अकल बता दूं क्या? हम देवे तुम्हें अकली बताई। रानी बोली, घड़ा उठाने की अकल बताऊं तुम्हें? घड़ा छूंगी नहीं तुम्हारा। पिया देवे तुम्हें अकली बताई, जल में धस ले ओ उठाई। पिया देवे ओ सजना सजना सजना, ओ सजना सजना सजना, ओ सजना सजना सजना, मेरे हाथ को बिकी गौ कंगना। ओ सजना जल दीसो घड़ा उठाइयो, पिया अपने घर को जइयो। जल दीसे जल में घुस के और ले जाओ। मेरे नौजवान साथियों, आज राजा हरिश्चंद्र ने आगे बढ़कर के छाती तक जल में घुस गयो रे, क्या सुनियो मेरे भाई, और दांती पीस के राजा ने वो घड़ा तो लियो उठाई। महाराज के बाहर साहस छूट गयो, और उठो कर ऐसी लगी घड़ा धरती पे फूट गयो। भैया रानी ठाड़ी लखे, पिया जब हिलकी भरी रोयो, बाकी दुलहन ठाड़ी लखे के दुखिया हिलकी भरी रोयो, बाकी रानी ठाड़ी देखे सैया हिलकी भरी रोयो। हिलकी भर रोयो, बाकी रानी थारी देखे राजा। और सोचने लगा कि मालिक आज क्या दिशा करेगा। आज 26वां दिन है, आज वो आस करता था कि आज मेरा पेट भर जाएगा, आज कोई भिखारी ना आएगा। पहुंचा जाकर जो कांपता हुआ राजा भंगी के सामने पहुंचा, भरा कहा है? मैं तो कहने लगा कमीना, एक एक सिर शत्रु खा जाता, तेरे प्राण कैसे निकल गए? बोल जा, घड़ा तूने फोड़ा है, आज तुझे भोजन नहीं मिलेगा। ले लाठी, अब पानी तेरे से नहीं भरा जाएगा, हरामी है तू, तूने कभी काम नहीं किया। मरघट में जा, राजा लाठी लेता है, मरघट में जाके बैठ गया। चारों तरफ
तरफ चेताओं की चंगन है, शहरों की लपकन है, बिजली की गर्जन है, भादों का महीना। इधर तो राजा मरघटिया बन गया, और इधर क्या हुआ? पंडित जी कहने लगे, बेटी पिताजी भोजन करो, तुम्हारा छोरा कहाँ गया है? देखो मेरी पूजा का टाइम हुआ है ना, वो जल्दी बगिया में चला जाए और हमारे लिए फूल ले आए। रोए तो अरे हाँ माँ, क्या कर रहे हो तुम? इतनी माँ बोल शिवा। शिवा क्या है? बगिया में जब फूल रहा है, बच्चों में मत खेलना, जल्दी आना, तुम्हारे पिताजी पूजा करने जा रहे हैं। चलती है धीरे धीरे बेटा, चल भाओ दे दे भमरे कलने पे, पामुरे दे दे चंप कलने पे। बगिया में कलू गादी तने गए, आई के कलू गादी तने गए। इधर तो बेटा बगिया में पहुंचा, तोलो विश्वामित्र जी आ गए और क्या किया, एक बड़े से फूल में सांप बन के बैठ गए। बन के सर्प बेटो बैठ गए भाई फूल में भैया, जाई के भाई फूल में भैया। हमारे गुरु देखेंगे बहुत खुश हो जाएंगे, इसी फूल को ले जाऊंगा पूजा के लिए। हाय हाय, 7 वर्ष के बालक ने फूल देख के रोए तने जब हाथ बढ़ाए दो, बालाला ने भैया हाथ बढ़ाए दो। मेरे भगवत प्रेमियों, हाथ बढ़ाया है और हाथ बढ़ाते ही बढ़ाते विश्वामित्र ने आज रोहित को दस लिया। पछाड़ का के हा मा, यह आवाज निकली और धड़ाम से रोहित गए। और विश्वामित्र जी ने क्या किया?
काशी में पहुंचे जाई है, काशी में पहुंचे जाई है, गली गली में अज मुनिवर रहे आवाज लगाई है। आज गली गली में आवाज देते हुए क्या दे रहे हैं, काशी के लोगों गजब भाओ, एक पूत बाग में आओ है, पूत बाग में आओ है, मैया बबुला को पता ना है, बाग सियर ने दस खाओ है। बाग में गया है और उसे किसी सर्प ने डस लिया तो यह आवाज लगाई लोगों, उस समय तारा चौका में रोटी कर हाथ में रोटी उसके हाथ से। सुन के ऐसी आवाज मैया दौड़ी दौड़ी आई, भाग गई है। ब्राह्मण सजोरे हाथ बाने गिरा दे सुनाई महाराज, महाराज का चोला गम में फंस गया, ओ बगिया में जाओ पूत का बिसियर ने दस लो है। मेरी पेटीट में आगने कमो आज्ञा दे दीजो, मेरे उठी पेट में हूँ कमो ने कया आज्ञा दे दीजो, मेरी उठी पेट में आगे हमें कया आज्ञा दे दीजो, आज्ञा दे दीजो मेरे बेटा को बचा लीजो, मेरी उठी पेट में आगे के भैया। महाराज मेरा बेटा सांप ने रस लिया है, हमें आज्ञा दे दो वरना मेरा बेटा मर गया तो मैं एकदम से ब्राह्मण कर ले आओ पगली, पहले रोटी कर, भोजन करने के बाद तू जा सकती है। बंधु उस माँ के दिल पे क्या गुजरती हो जिसका बेटा बड़ा पड़ा। हाय माँ, हाय माँ आ जाओ, मुझे सांप ने डस लिया है माँ, मुझे सांप ने डस लिया माँ, एक बार आ जाओ मुझे अपनी बाह में ले लो। इधर बेटा जब होश में आ जाता है लोगों तब तो अपनी माँ की याद करता है। इधर मैया चौका में पहुंची, डर के मारे दोबारा नहीं बोली, रोटी कर रही है मगर आत्मा छाती गई थलाई रे, और बगिया में मेरे पूत वाले जन कैसे रहो बिलखाई रे। क्या किस्मत में धरती को फट जाइए पाप तो में जाए समाई रे, आज कल बेटा की याद का मैया गई हंसी डकराई रे। भोजन दाए बनाई रे, और भोजन करके त्यार फिर ब्राह्मण ते पहुंची जाई रे।
भोजन 30 मिनट में बना लेती थी माँ, आज वो भोजन मानो 6 महीने में बनाए पाए हूँ। और भोजन एकदम बना करके रख दे और आप ब्राह्मण के सामने पहुंचे। महाराज अब आपका भोजन बन गया, मेरा बेटा मर गया होगा। एकदम से ब्राह्मण कहने लगा, ओ पगली लड़की, पहले भगवान का भोग ले। आंसू बार बार पहुंच रही है, कहीं भोजन अशुद्ध न हो। भैया भगवान के सामने जब भोजन लेके गई है, भोग लगा के हाथ जोड़ के बोली, हे प्रभु दीन बंद भगवान सुनो दे ध्यान अरज प्रभु मेरी, दुखिया घाई दीना नाथ रे नांजर तो रे क्यों फेरी। महाराज एक दिन कपिला गाय शेर ने आई बनी में घेरी, और तैसे ही दीना नाथ दिशा भाई मेरी। बनी में घेरी, अब तैसी दीना नाथ रे दिशा हुई आई मेरी। मेरी रक्षा करो, मेरे बेटा की रक्षा करो प्रभु। और आज भगवान का भोग लगा करके पहुंची है और हाथ जोड़ के बोली, महाराज चली जा, बेटा न हुआ घर की भाभी हो गई, पंडित बुदबुदा किस तरह रह गया, और मैया और बेटा की याद करके तमछात जाते, कहीं गिर पड़ती है, कहीं उठ के फिर भाग देती है, कहीं एक पटके से दुखिया को रास्ता में लग गई और जाकर बगिया में पहुंची बंधुओं। और जो बेटा को पढ़ो भाव देखो है, धड़ाम से मैया पछाड़ कर देती, जो होश आया दोबारा वाली पटक बेटा के शरीर पर पड़ी है बंधुओं, और उसने दोनों बाहों में अपने बेटा को कलेजे से लगा लिया। ओ बेटा मेरे कुमार ने का बोलो मोरे सुना दे। बेटा एकदम से चीख पड़ी है लोगों, उस समय ये मालूम पड़ा मानो वृक्षों पर पतझड़ आ गया हो, पक्षी उड़ गए थे वृक्षों से, धरती मानो कांप गई हो। भर लो है ओरे मेरे बेटा रोहे सास कोई तेरी मैया तेरते है, ओरे मेरे बेटा रोहे सास कोई तेरी मैया तेरते है। मैया तेरते है तोय तेरी जननी तेरते है, ओरे मेरे बेटा रोहता सके तो कू। एक बार बोल मेरे लाल तू कौन, कहां डस लिया तुझे, सोई बेटा को होश आएगा। सोई बा ने दोनों बाएं अपनी मैया के ऐसी गर्दन में फंसा ली, मैया ने अपने लाल के ओठ पोट रख दिए और बुदबुदा के कहने लगा, मैया क्यों रो रही है मात तू, मेरो बदन अब कसिया जब फूल में विश्वर हाथो मोको तो जननी दसियो। मां फूल में था,
लीनो जन्म सो मरत है, यो धीर दिल में दीजियो एक बार मोए पुतकार के मुझे प्यार मैया कीजियो। एक बार मुझे छाती से लगा लो माँ, मुझे सांप डस गया है, मेरे पूरे शरीर में जहर फैल गया माँ, मेरी जीभ टूटी, मेरी आंखों से अंधेरा माँ। और इतना कहकर उसने झपट के अपनी माँ को कलेजे से लगा लिया। बंधु सोई मैया से सक पड़ी, ओठ पे ओठ धर के कहने लगी, लाल क्या कर रहे हो, जब दुखिया मैया को बेटा अब खून पे छोड़े जाते हो और धर्म के मल्हा बनी आए तो किस्ती मझधार डुबाते हो। बलबीर सिंह बल नायरा, बलबीर सिंह बल नायरा, रवती जो थाम कलाई है और बहा गई तुमने बबुला तो दी जो पार लगाई है। बेटा बेटा क्यों जाए रहो मौत, तूने क्यों धारी लाई निठुराई है, छाती ते लहस लगा के अजदन गैया सी डकराई है। छाती ते लले लगा के अजदन गैया सी डकराई है, छाती से लले लगाई लो यार गैया सी डकराई है। लाश के ऊपर जब मैया ढकराने लगी, रोहित कहने लगा, मैया रो रही, संसार में जो आओ सो गाओ। लेकिन मैया बोली, बेटा तेरे बिछुड़न को मुपे दुख सो नहीं जाए, रात दिन डकराऊंगी हम जिम बछड़ा बिनी, बछड़ा गिनायों गाई सुतविनी, मातयों बिलखात है गोदी त जिनके सुत चले, क्या बच सकत वो मात है। मैं हूं अभागिन पापिनी, नहीं काल मोको खात है, पालो पना सो गोद से तोता उड़ो मेरो जात है। इस तरह से रोने लगी माँ। तो क्या जवाब दे रहा है रोहित, दुख सुखी जो कछु कहरी सो मैया मोते कहले, बार पुचकार के गोद में मोए ले ले, मेरी मां तो बिना तो सुकर धार रो लला सुर को जाए मैया कर ले आखिरी प्यार। अब तो सुन बेटा के बेन मात बेहोश तो हुई गई है, अब तो सुन बेटा के बेन मात बेहोश में आई गई है,
बेहोश में आई गई है रे मैया, बेहोश में आई गई है। अब तो सुन बेटा के बेनक मैया। एकदम से माँ बेहोश हो गई, कहने लगा है रोहित मैया रो रो के मुझे मत रुआ, मेरे पूरे शरीर में जहर फैल चुका है मां। मेरी बबुला तो राम राम कह दीजो, राम राम कह दीजो और प्राण भले ही जाए। धर्म मत दीजो प्राण भले ही जाए। माँ मेरी माँ तो हमारी बिगड़न लगी जबान। राम राम कह राम तजे जब रोहित ललाने प्राण। राम राम कह राम भैया मटिया रह गई पड़ी के पिंजरा खाली गलियो है। जाकी माटी रह गई पड़ी के पिंजरा खाली गलियो है। खत्म हो गया है रोहित, आज लाश के ऊपर बुरी तरह से तारा डकराने लगी। बेटा ओ बेटा तू कहाँ गयो बेटा, अपनी मैया को धीरज बना दे। मेरो ले गो करम लपेटा बेटा मेरे बछड़ा मेरे तू कहाँ गो बेटा। आज तुन कैसे अपने को खेचो, क्यों चुप मेरी गोदी में लेटा बेटा मेरे बछड़ा मेरे तू कहाँ गयो बेटा। तारा रो रही है तो मलनिया आ गई और कहने लगी अरे बहना काहे को पागल है गई, जा सांप ने डसो जाकी लाश अभी फट जाएगी, इसलिए तू जल्दी इसको मरघट में ले जा। बंदियों कफन नहीं था मैया पर, अपनी आधी धोती फाड़ करके बने कफन बनाया अपने बेटा को, और बेटा को आज अपने कंधा से लगा करके मरघट के लिए चली है। जी जा रही थी पानी में पैर फिसल गया और मैया लाश को लिए हुए धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। एक तरफ बेटा लुढ़क गया, झपट के उठाए लो चूमन लगी, कहीं मेरे बेटा की चोट तो नहीं लगी।
गया। महा दुख बा दुखिया पे हम कैसे दे बताइए। अरे भरबादों की रात ददा जम घोर अंधेरिया छाई है। और लाश लाए अब बेटा की मैया मरघट को जाती है। कैसे बू दुख कहे यारो आधार की फट रही छाती है। जब मरघट में पहुंची है लोग मरघट का दृश्य क्या था। भैरव पिशाच और भूत चुड़ैल कपा में नच रहे थे भाई। चारा ओरी किता चतक चतक जाते थलाई। धर धर जब बादल गरज रहो बिजली की है चमकन। और चिता तो चतक रही पंचोर स्यारन की बाहें लपकन। पूतलिटाओ धरती पर पंचो चिता बनाती है। कौचिता छोड़ के बातुखिया छाती के लले लगाती है। ऐसे मैया चिता बना रही थी बंधुओं तो एकदम से बाके कानों में हुंकार पड़ी। ए, कौन है? शायद नहीं जानता है कि इस मरघट पर कोई रखवाला भी है। बंधुओं हंसता हुआ राजा हाथ में लाठी लिए धर्म के लिए भूप जब आओ। रानी ने चेहरा देखो रे के प्राणों घबराओ। क्या बात है महाराज? हरिश्चंद्र कहने लगा अरे कौन है तू ये चोर? अरे पे आए हैं और बिना कफन के लिए अब तू मुर्दा नहीं जलाए हैं। और बिना कफन के लिए अब तू मुर्दा नहीं जलाए हैं। बिना कफन के दिए हुए या मुर्दार नहीं जलता। एकदम से रानी जो बंधु अपनी प्राण प्यारी को देख माने और रोहित को मुर्दा के रूप में देखो बाकी हाथ लाठी पड़े। और जहां रोहित धरती पर मुर्दा पड़ा था बंधुओं बराबर राजा हरिश्चंद्र पछाड़ खाएगा। कब तक दिशा रही है? कब तक ये दशा रही उनकी जब वही जानने वाले हैं। और कछु देर में अब आधार दी कफन मांगने वाले हैं। कब तक ये दशा रही उनकी ये वही जानने वाले हैं। आधार तो थोड़ी देर में आरो कफन मांगने वाले हैं। अपनी लाठी उठा ली
और लाठी उठा करके कहने लगा, इसको अगर जलाना चाहती हो तो हमारे लिए कफन है, आप नाश भर दीजिए, हमारा जटा भी तुम्हें कफन मांगी सीख लेगा। देख रहे हो मेरे पास कफन होता तो बेटा पर मैं अपनी सारी अपने बेटा को अपने कलेजे से लगा लो, बहुत अच्छे रहे तुम आ गए, मरते समय अपने बेटा के शरीर को छू मैं अभी तुम नहीं छू सकते, अब मुर्दा के रूप में छू। हरिश्चंद्र कहने लगा, तुम देखो अच्छी तरह से हम जानते थे मेरा बेटा मर गया, मगर याद रहे धर्म पर हम तुम दोनों हैं। वो दिन तुम्हें याद होगा जब मैं पानी भर के चला तो मुझे घर में होता, तुमने मेरा घराना, जब तुमने मेरा घराना नहीं उठवाया मैं अपने धर्म को कैसे छोड़ दूं, बिना कफन के लिए वो मुर्दे को कैसे दले दूं, बोलो। बंधुओं लाठी को पकड़ के बैठ गए हरिचंद। भैया लख रानी को रुदन के मानो धरती फट गई है, यारो लख रानी को रुदन उस समय धरती फट गई है, धरती फट गई है रे दादा मेरे धरती फट गई है, अब तो लख रानी को रुदन के भैया। राजा हरिश्चंद समझाने की बहुत कोशिश कर, मेरे पास है नहीं कफन, एकदम से जवाब दिया अगर कफन नहीं है तो मुर्दा नहीं जलेगा। रानी कहने लगी बेटा की लाश फट जाएगी तो मुर्दा जल रहा, उसके बाद में तुम कफन चाहोगे मैं दे दूंगा। ठीक है मेरे नौजवान साथियों, चेता बनाई और रोहित को चेता में रख दिया, जो चेता की चटकन थानों में पहुंची है पति और पत्नी दोनों बेहोश, और जब होश आया तब दोनों को बराबर होश आया। राजा बोला कफन, रानी कहने लगी महाराज मैं शरीर पर तुम्हें दिखा दो ले लो, तो आगे बढ़ गया राजा। कफन चाहिए मुझे, बहादी धोती पकड़े केदन झटका भैया मारो, तारापति को बदन पंच हुई निपत उघारो, मात धरती पर गिर गई हो
और देख के ऐसी दादा कल मेरी तो बिगड़ गई है। डरने ऐसे बहादुर को लोगों, ऐसे वीरों का इतिहास बनता है जिनके पास धर्म रूपी खजाना है। अधर्मियों का इतिहास कौन बनाता है? अब तू धन्य धन्य है भूप जीव मेरी बैसी तू जती है। अब तू धन्य धन्य है भूप जीव मेरी कैसी तू जती है। कैसी तू जती है जीव मेरी काहे तू जती है। अब तू धन्य धन्य है भूप के राजा। नंगा कर दिया बंधुओं, मैं एकदम छाया के धरती पर तड़प गई। महाराज में नंगी हो गई, कहने लगा मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आप सोच रहे हैं सुबह होता है काशी में कैसे मिल जाऊंगी, कमर तक जब धोती बनी थी फिर मुझे नाच नहीं। अब मैं पट उभारी हो गई हूँ बंधुओं, अपने बदन को छुपाने के लिए एक मंदिर में जाके बेहोश हो गई। जो मंदिर में तारा गिरी है लोगों, विश्वामित्र ने देखो उस पापी ने गजब और कर दो, ये तो मैया बेहोश हो गई। एक मरो भाव मुर्दा वो पापी कहूं तो ढूंढ के लाओ। ओबा दुखिया के संग में बाने मरो कहो पूत पलाओ। महाराज खूनो ठन से लगाए दे काशी की गलियन में जाके शोर मचाए दो है। अरे मंदिर में डायने आई पूत बन काऊ को भकिलाओ है। अरे मंदिर में डायने आई पूत बन काऊ को भकिलाओ है। अरे मंदिर में डायने आई पूत बन काऊ को डसिलाओ है। जब वो रानी बेहोश होगी, मरा हुआ मुर्दा पास में लेटा करके बाकी ओठन से खून लगाया और गली में जाके आवाज लगाई, भैया अपने अपने बच्चों को होशियार रखना। एक डायन आई है मंदिर में जिसने बच्चा खा लिया किसी का। ये काशी के नरेश के पास मारा, रक्षा करो प्रजा की रक्षा करो, कोई डायन आ गई है जो बच्चे खाती है। काशी नरेश ने फौरन उसी भंगी को बुलाया और हुक्म दिया, जो डायन आई उस डायन को मार के आ। और भंगी ने फौरन राजा हरिचंद्र को बुलाया। हरिया हाँ ले मेरी तलवार और मंदिर में जाके देख कोई डाइन लेती है उसे मार के आना, ध्यान रहे। चल दिए तेगा को लेकर, चल दिए तेगा को लेकर मंदिर में जाने लगे। चल दिए तेगा को लेकर मंदिर में जाने लगे। चल दिए तेगा को लेकर जब देखाया धारनी, जब देखाया धारनी बाजा पे घबराने लगे। चल दिए ले तेग को मंदिर में जाने लगे। चल दिए ले तेग को मंदिर में जाकर के देखा, रानी पड़ी बेहोश है। तब आवाज वो दे रहे,
तब आवाज वो दे रहे अब से सुदहलाने लगे चल दिए लेते को चल दिए लेते को मंदिर में जाने लगे चल दिए लेते को मंदिर के पास पहुंचे आवाज लगाई और डायन कहां सो रही है तू अरे बच्चों को भगने मारी है भागिन जैसे उस बच्चे को तूने दसा हमें दस ले से दस रही पूत को ऐसे मां को दस लिए आवाज कानों में पड़ी आवाज कानों में पड़ी प्राण घबराने लगे चल दिए लेते गुको चल दिए लेते गुको मंदिर में जाने लगे चल दिए लेते गुको धर्म पे दीवाना भो ऊंच नीच को न ध्यान है मैया बिलखत बैठ गई मैया बिलख के बैठ गई तब आधार घबराने लगे चल दिए लेते गुको चल दिए लेते गुको मंदिर में जाने लगे चल दिए लेते गुको इस बेटा को दसा ऐसे मुझे भी दस ले बंधुओं मैया नहीं बोली और तब तक क्या हुआ नहीं आगी बार एकदम से हरिश्चंद्र झपटा उसने तारा के केस पकड़ के बाहर पटक दिया पहचानो मुझे मैं आपकी पत्नी हूं तारा हरिश्चंद्र कहने लगा कल की जवान से मेरी पत्नी न कहे मेरा बेटा सांप ने डस लिया और तू अपने बेटे के दुख में इतनी अंधी हो गई कि तू दूसरे के पूतों को डसने लगी बंधुओं एकदम से रानी तारा ने पिया की आंखों को देखने लगी सोले महाराज नहीं नहीं मेरे साथ किसी ने धोखा किया नहीं ओ प्राणपति कछु न्याउरे समर के अब तुम करियो से बुला के सर पे मती देग तुम राजा धरियो महाराज पूत नहीं मैंने खाओ इतनी कह के आज नार को दिल उमगाओ है पंचो इतने सुन के बेन भूप को तरस न आओ है भैया इतने सुन ले बेन भूप को तरस न आओ है तरस न आओ है राजा को तरस न आओ है भैया इतने सुन के बेन तो वह तरस न आओ है निठुर है तू और एकदम से क्या किया बंधु दाती को पीस के राजा ने जब कस के तेग चलाई है कस के तेग चलाई है धर धर बादल गरज उठो और पृथ्वी गई दहलाई है
सुरग से आई है, आवाज सुरग से आई है, चतुर्भुजी भगवान ने फौरन लीनी थाम कलाई है। तलवार को यूं मारना चाहा राजा हरिश्चंद ने, चतुर्भुजी बनकर के भगवान ने आकर राजा हरिश्चंद की कलाई पकड़ ली। ठहर जा, जो निगाह करी आप, हाँ हाँ बंधुओं, रानी लज्जा के कारण नंगी थी ना, एकदम मंदिर के अंदर भागी है, लेकिन भगवान ने कहा ठहर जा बेटी। ओ ठहर ठहर बेटी मेरी, क्यों ज्यादा तू कल पाई है, ज्यादा तू कल पाई है, पीतम्बर फेंक दाओ प्रभु ने बू कमर सुबह लपटाई है। राजन का आप कहने लगे, हां विश्वामित्र भी प्रकट हो गए, वशिष्ठ भी विमान से आ गए, आप हाँ, ये क्या किया आपने, ये आपने क्या किया? भगवान कहने लगे, राजन मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे गुरु की और विश्वामित्र की शर्तें लगी हुई थी, सामने गात तने खड़े हैं, इन्होंने ये सब नाटक किया है। रानी कहने लगी, मुझे भी मार डाली, तुमने मेरे बेटा को डस लिया, तुम महात्मा हो? महात्मा नहीं हो, तुम कसाई हो। विश्वामित्र कहने लगे, नहीं मैंने तुम्हारे बेटा को नहीं डसा है, फिर मेरा लाल कहाँ है? और रोहित की आबाद रे जब विश्वामित्र लगाई, भाई आया जो रानी के पास लेता कोई दूसरा नहीं था, रोहित ही था। महाराज लाल जब बाहर आओ है, बेटा बेटा के मैया ने कंठ लगाओ है, तोलो चतुर्भुजी भगवान के समय हंस रहे ठाड़े हैं, चतुर्भुजी करतार के समय हसरे ठाड़े हैं, बे चतुर्भुजी भगवान के समय हसरे ठाड़े हैं। हसरे ठाड़े हैं समय हसरे ठाड़े हैं, तोलो चतुर्भुजी भगवान के भैया। वही रोहित निकला है, मैया ने एकदम से अपनी बहने में भर लियो बंधु, और लेकिन तो लोबू मेहतर हुआ आएगा। एक बात और बताइए, मेहतर था कौन? ये कोई दूसरा नहीं था, जो मेहतर का रूप बनाए था वो धर्मराज कहलाते थे, धर्मराज कहलाते थे, ब्राह्मण का भेष बनाए अब वशिष्ठ सामने आते थे। राजा हरिश्चंद्र के गुरु वशिष्ठ से जो ब्राह्मण थे हैं सामने आ गए हैं, और अपने बेटा के सर पे हाथ रखे का शिष्य तू धन्य है, ऐसे ही शिष्य पर गुरु को नाज होता है। हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज इतनी बुरी परीक्षा? भगवान बोले, हां कसौटी साप कहती है ये पीतल है ये सोना है, कसौटी साप कहती है ये पीतल है ये सोना है, धर्म का तू दीवाना है तेरा बेटा खिलौना है, धर्म का तू दीवाना है तेरा बेटा खिलौना है।
किसियन को विष के समान तज दीजे। अरे आधार विषयों को विष के समान तज दीजे। घमंड में तू फिरे भूलो काल को तू चवेना है। घमंड में तू फिरे भूलो काल को तू चवेना है। कसौटी साप कहती है ये पीतल है ये सोना है। अरे अभिलाक मत तू पीठ दीजे अपने गुरुवर को। अरे हाँ अपने गुरुवर को। राम शरण राम की तो शरण में बनी ये सलोना है। राम शरण राम की तो शरण में बनी ये सलोना है। कसौटी साफ कहती है ये पीतल है ये सोना है। वरदान मांगो तुम क्या चाहते हो। राजा हरिश्चंद कहने लगा महाराज अगर हमसे प्रसन्न हो। प्रसन्न क्या है विमान खड़ा है। अपने बेटा रोहित को अयोध्या का राज दीजिए आप स्वर्ग में चलिए। बेटी तू क्या चाहती है वरदान मांग। तारा तारा कहने लगी महाराज अगर हमसे प्रसन्न हो तो एक वरदान दे दो। क्या वरदान मांगा। हम जब जब जीवन धर के रे जा जग में स्वामी आऊं। देखिए वरदान मोय जे सैया मिले रे पुत्र जे ही पाऊं। महाराज हमें बस दे यही वरदान पत के चरणों में गिरधारी रहे हमेशा ध्यान। मेरे सामरिया मेरे गिरधारी मेरे पिया मुखो सीत रहे। मैं तो इंगाई पे होवे वाले हाल मेरे बनवारी। मेरे नाथ मुखो सीत रहे। मैं तो इंगाई पे होवे वाले हाल मेरे सावरिया मेरे पिया मुखो। भगवान ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। तुम वरदान मांगो राजन तुम क्या चाहते हो। तो राजा कान लगो हमें तो छोटे से वरदान दे दो। कौन सो साई उतनो दीजियो जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखो जाए। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखो जाए। भगवान का तथा ऐसा ही होगा। इस तरह से पुनः विमान में बैठ करके आज राजा हरिश्चंद रानी तारा स्वर्ग को रवाना हो जाते हैं और रोहित हुए अवध का राजा होता है। बंधु इस तरह से परम भक्त हरिश्चंद का इतिहास हमने राठौर कैसेट के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूर्ण कोशिश की है। आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे। हरिश्चंद की कथा रे जल्दी में सुनाए दई जाके। और घड़ी रही है पंचो पौने पांच अधे बजा के। मेरे गीतों की तरफ ध्यान लगा दीजो और राठौर कैसे दी मेरे भैया लीजो। महाराज यही कैसे जब असली है और जगह जगह पर आज कैसे बिगड़ी नकली है। ओरे मुरली बाल श्याम खबरिया मेरी ले लीजे। ओरे वंशी बाल श्याम खबर निक मेरी ले लीजे।